डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला क्वेश्चन है। अ पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन। इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज वी, देन एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर वी ओवर 2 पाई ओवर एन एंड 2 पाई एन वी। ऑल्सो शो दैट द वेलोसिटी वी at a distance x from the center of motion is given by v equal 2 pi n a square minus x square square root where a is the amplitude। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। सबसे पहले हम पहले हिस्से को सॉल्व करेंगे। इसमें जो डाटा हमें गिवन है, हम पहले वो डाटा लिखते हैं। ये दिया गया है कि पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। तो ये गिवन है, हम वो लिख लेते हैं जो चीज हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है वो एन के बराबर है। और जो दूसरी बात हमें गिवन है वो ये है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वेलोसिटी वी के बराबर है। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू वी। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करना है, द एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वी ओवर 2 पाई ओवर एन के बराबर है। वी नो दैट जो टाइम पीरियड है वो 1 ओवर f के बराबर है। इट मींस 1 ओवर n। बट टाइम पीरियड हमें मालूम है कि टाइम पीरियड जो है ये इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा स्केयर रूट। ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई ओवर लैम्डा स्केयर रूट इक्वल है 1 ओवर n। और यहां से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें लैम्डा स्केयर रूट की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 2 पाई n के बराबर आएगा। इसे मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो हमें सेकंड डाटा गिवन है वो है ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू वी। वी नो दैट वेलोसिटी मैक्सिमम जो है ये इक्वल है लैम्डा स्क्वायर रूट ए, वेयर A is amplitude अब गिवन ये है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v के बराबर है। तो v इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट a, और यहां से हम लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा स्क्वायर रूट इक्वल्स टू v ओवर a। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें फ्रॉम 2 एंड 3, 2 पाई वी ओवर ए इक्वल 2 पाई एन, और यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें एम्पलीट्यूड की ए की वैल्यू, तो वो इक्वल होगी v ओवर 2 पाई n। और यही हमने कैलकुलेट करना था कि एम्पलीट्यूड जो है वो इसके बराबर है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक प्रूव करते हैं। नेक्स्ट ये पूछा गया कि उसका
मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो आपने बताना है कि कितना है. आल्सो शो एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वी ओवर 2 पाई एन एंड 2 पाई एन वी. मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हैं. वी नो दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये इक्वल है लैम्डा ए, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, अगर हम इक्वेशन 2 से लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन इंटू ए, और इस ए की वैल्यू हमने ये अभी कैलकुलेट की है, वो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दें वो है वी ओवर 2 पाई एन, यहाँ लैम्डा स्क्वेयर ये स्क्वेयर आना है तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 पाई, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 पाई एन वी. तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट हो गया. अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेलोसिटी वी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मोशन इज गिवन बाय वी इक्वल्स 2 पाई एन ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड. तो वो कैलकुलेट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजिशन इज गिवन बाई, जो हमारे पास फार्मूला है वो है वी इक्वल लेमडा स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लेमडा स्केयर रूट फ्रॉम इक्वेशन 2, वी इक्वल 2 पाई एन इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट यूजिंग इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन में जो लेमडा स्केयर रूट की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया.